हेलो गाइस, वर्जिन हाइपरलूप का हाई स्पीड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूएई जैसे देश से पहले इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुद वर्जिन हाइपरलूप में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स रखने वाली कंपनी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है दिनेश एंड यू आर वॉचिंग YZMM चैनल, जिसमें हर दिन ऐसे ही इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर एक नई वीडियो आती है। और ऐसी अपडेट्स और टॉपिक्स रिकमेंड करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन प्लीज ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हुआ ये कि एक इमिराती मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने कहा कि इस दशक के एंड में दुनिया के कई हिस्सों में हाई स्पीड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक रियलिटी बन जाएगा। सुल्तान अहमद बिन ने और कहा, मैं इसे तो सबसे पहले इंडिया में देखूंगा या सऊदी अरेबिया में। हमारी आशा है कि जब हम इस स्केल की इकोनॉमीज को अचीव करते हैं और आपके पास लंबे और पॉपुलर रूट्स है, तो शायद एक एरोप्लेन की स्पीड के लिए भी आप एक ट्रक की प्राइस का भुगतान करेंगे। So guys, वैसे तो इस सिस्टम को करेंटली कई कंपनीज डेवलप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्जिन हाइपरलूप, जिसमें दुबई बेस्ड पोर्ट ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स है। हाइपरलूप एक बेसिकली सील ट्यूब या लो एयर प्रेशर वाली ट्यूब्स की सिस्टम है, जिसके थ्रू एक पॉड एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन से फ्री ट्रेवल कर सकता है। कंपनी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में दो रूट्स पर टेस्टिंग कर रहा है। पिछले कुछ सालों से कंपनी मुंबई टू पुणे रूट और बेंगलुरु एयरपोर्ट और सिटी के बीच अपना टेस्टिंग कर रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्जिन हाइपरलूप डीपी वर्ल्ड कंसोर्टियम को मुंबई पुणे रूट के लिए ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के रूप में अप्रूवल दी थी। वर्जिन हाइपरलूप 1 के चेयरमैन रिचर्ड ब्रांसन ने फरवरी 2018 में पुणे और नवी मुंबई के बीच हाइपरलूप सिस्टम के प्लानिंग की अनाउंसमेंट की थी। हाउएवर, पेंडेमिक के आउटब्रेक के कारण प्लान को रोक दिया गया था। इस साल के स्टार्टिंग में वर्जिन हाइपरलूप ने सिटी के एयरपोर्ट से प्रपोज रूट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ पार्टनरशिप अनाउंस किया था। नीति आयोग ने इंडिया में वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए एक पैनल को फॉर्म किया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा था कि ये देश के लिए एक अच्छी अचीवमेंट होगी यदि अगले 4 से 5 सालों में इसके लिए एक डेमोंस्ट्रेशन यूनिट यहां सेटअप की जा सके। लॉन्च होने पर वर्जिन हाइपरलूप से मुंबई और पुणे के बीच की दूरी, जो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की है, उसको सिर्फ 30 मिनट या उससे भी कम टाइम में तय करने की पोटेंशियल होगी। गाइस, आप सबको क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा हाइपरलूप को इंडिया में ऑपरेशनल होने के लिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके हाइपरलूप सिस्टम को इंडिया में बिल्ड करना चाहेगा तो वो डेफिनेटली जल्दी बना सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया को एक अच्छे हाई स्पीड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत है। गाइस, और इस वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसी अपडेट्स और टॉपिक्स रिकमेंड करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और YZMM चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।